नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह एक गुलाब है और गुलाब को तो फूलों का राजा कहा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्स कैसी बनाई जाए और गुलाब को कैसे रिपॉट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूँ कि गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो कि एसिडिक सॉइल पसंद करता है, और एसिडिक सॉइल नहीं रहेगा तो जितना भी आप इसे फर्टिलाइज़र देंगे उसे वो ले नहीं पाएगा और वो यूं ही बर्बाद होता रहेगा। तो उसके लिए पोरस मिट्टी भी होनी चाहिए और एसिटिक भी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बतलाऊंगी कि किस तरह से हमें गुलाब की मिट्टी तैयार करनी है। तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि उसके लिए कौन कौन सी पोषक तत्व हमें चाहिए। एक तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है, अच्छी तरह से धोकर सुखाया गया ये चाय पत्ती है। बिल्कुल मैंने इसे यूज चाय पत्ती है जिसे मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया है। दूसरा है इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और तीसरा मैंने नीम की खली लिया है, क्योंकि नीम की खली बहुत ही अच्छी फंगिसाइड का भी काम करता है और साथ ही साथ ये खाद भी बहुत अच्छा बनता है। साथ ही मैंने बोन मील लिया है। बोन मील स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये गुलाब के खिलने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने शुरू में ही ऐड कर दिया है बोन मील। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है नीम की मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आधा चम्मच फंगिसाइड भी ले लिया है ट्राइकोडर्मा। अब इन सबको मैं सॉइल में मिला करके एक ऐसी मिट्टी तैयार करूँगी जो गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले मैं, और ये मेरा हमारा पौधा है जो कि मैं अभी नर्सरी से लाई थी, तो इसे मैं आज रिपोर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं पौधे को निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखलाती हूँ। पौधे को मैंने निकाल लिया है और आप ये देखिए कि ये चिकनी मिट्टी में इस पौधे को लगाया गया है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी जड़ों को, इसके मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा मैं निकाल दूँगी, ताकि इसकी जड़ें हमारी नई मिट्टी को बहुत जल्दी मिट्टी में एडजस्ट हो जाए। तो ज़्यादा नहीं निकालना है, तो क्योंकि इनके रूट जो हैं वो फिर डैमेज हो सकते हैं इसीलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में ज़रूर निकालूंगी ताकि नए मिट्टी को ये एक्सेप्ट कर पाए। ये देखिए मैंने इतना निकाल दिया है, और मैंने यहाँ पर मिट्टी के लिए, इस पौधे के लिए इस गमले को तैयार किया है। इसमें मैंने नीचे में पत्ती डाल दी है और फिर मैंने मिक्स्ड मिट्टी को डाल दिया है। अब मैं पौधे को यहाँ पर रिपोर्ट कर दूँगी। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नीचा हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से ऊपर में आ सके। हमें इसके उस तने को ऊपर रखना है, मिट्टी से ऊपर रखना है जहाँ से ये इन्हें ग्राफ्ट किया गया है, इन्हें लगाया गया है, ताकि नीचे का जो पौधा जल्दी निकले तो उसे मैं निकाल पाऊँ। और ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया है इतना, और अब मैं इसे अच्छे से दबा कर देख लेती हूँ। इसमें एयर पॉकेट नहीं होना चाहिए, और मैंने इसे अब इसमें लगा दिया है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से और नीचे आएंगे। मैंने इन सब को मिला दिया है, ये देखिए मैंने इन सब को मिला दिया है अच्छे से। और इसके इस मिक्सचर को मैं इसकी मिट्टी में ऐड कर दूंगी साथ ही साथ, ताकि ये बहुत अच्छे से चल पाए। मैंने यहाँ पर इन्हें इन सबको मिलाकर इसमें डाल दिया है, और मिट्टी में मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है। और मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर दूंगी, और उसके बाद मैं गुलाब को इसमें रिपोर्ट करूंगी। अभी हमारे रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये मैंने इन्हें सेंटर में बैठा दिया है, और ऊपर से मैं इसमें मिट्टी को अच्छे से सेट करके फिर आपको दिखलाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने मिट्टी तो ऐड कर दिया है, और फिर अच्छे तरह से मिट्टी को मिला करके साइड से भी दबा देना है, ताकि कोई भी एयर पॉकेट ना बने, वरना हमारे प्लांट की जड़ों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। और अब जब इतनी अच्छी तरह से हमने इसे भर दिया है, तो अब इसमें आज भरपूर मात्रा में पानी
डाल देनी है, वाटरिंग कर देनी है। पहली बार वाटरिंग भरपूर कीजिए, इतना कीजिए कि नीचे के ड्रेनेज होल से वह पानी ड्रेन आउट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि यह बहुत तेज़ी से पानी नीचे की ओर जा रहा है। तो ये थी मेरी आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए पूरी तरह से पानी ड्रेन आउट हो गया है। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।